एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। काफ़ी सारे बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुके हैं, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन्होंने सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया तो उनका भी कल रिजल्ट आ जाएगा, उनके लिए एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर इसके बावजूद भी कुछ बच्चों के डाउट हैं तो आप मुझे पर्सनल DM कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज बात करते हैं कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। तो मैं बात करने वाला हूं उस टॉपिक के बारे में जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भैया आप एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा देते हैं, तो क्या आप मुझे फर्स्ट ईयर की कुछ जो सब्जेक्ट हैं उन्हें पढ़ा सकते हैं क्या? तो एक्चुअली में मैं ऑलरेडी पढ़ाता ही रहा हूँ, कुछ साल एक्सपीरियंस भी रहा है और एक तरह से कह लो कि मेरा पैशन भी है पढ़ाना। शायद यही वजह रही है कि एक्सप्लेनेशन मेरा अच्छा है। तो मैंने भी सोचा कि चलो, अभी तक मैं 11th 12th पढ़ा रहा था, नीट के बच्चों को पढ़ा रहा था, अब ट्राई करके देखते हैं कि BMS में फर्स्ट ईयर के बच्चों को कैसा लगता है पढ़ा करके, और इससे मेरी भी नॉलेज थोड़ी सी और हायर लेवल पर जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप में से जितने भी लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं कि BMS फर्स्ट ईयर में, वैसे तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट तो मैं नहीं पढ़ा सकता, लेकिन एक सब्जेक्ट है जो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ और उसको बहुत बेहतर पढ़ा सकता हूँ, ठीक है? तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, मैं नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, आप नीचे ज्वाइन कर लें टेलीग्राम लिंक और मुझे मैसेज कर दीजिएगा या मैं कर दूंगा। तो आप उसमें लाइक कर सकते हैं या इस वीडियो को भी लाइक करके ये बता सकते हैं कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं मुझसे पढ़ने के लिए। एक तरह से मुझे भी आइडिया मिल जाएगा कि कितने स्टूडेंट हैं। मैं कोई फ़ीस नहीं चार्ज कर रहा हूँ, परेशान मत होना कितना पैसा लेंगे, ठीक है? तो मैं कोई फ़ीस नहीं चार्ज कर रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे देख रहे हैं, यही मेरी फ़ीस है, काफ़ी है मेरे लिए। तो बात करते हैं वीडियो में, आते हैं और समझते हैं कि BMS फर्स्ट ईयर में जो कुल टोटल आपके सब्जेक्ट हैं, वो सबसे पहला तो होगा आपका संस्कृत। मैं बेसिक सब्जेक्ट को ले रहा हूँ, तो संस्कृत सब्जेक्ट है, ठीक है? उसके बाद आपका अष्टांग हृदयम, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कौन कौन सी बुक है। फिर उसके बाद चरक, पूर्वार्ध, ठीक है, उसमें भी आपके 12 चैप्टर हैं, ज़्यादा नहीं हैं, सूत्र स्थान के कुछ 12 चैप्टर हैं, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट होगा पदार्थ विज्ञान, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद रचना शरीर, क्रिया शरीर, बहुत ही इम्पोर्टेंट, रचना शरीर। जिसे नॉर्मल एनाटॉमी बोलते हैं, डाइसेक्शन वगैरह आप इसी में सब करेंगे। फिर उसके बाद क्रिया शरीर, आयुर्वेद में आ गए हैं, हिंदी से इतना घबराइए मत, है ना? बहुत सारे बच्चे हैं, मैं तो CBSE बोर्ड से हूँ, मैं तो ICSE बोर्ड से हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी क्या मैं BMS अच्छे से निकाल पाऊँगी। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आपकी इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, ठीक है? जिसे फिजियोलॉजी बोलते हैं, क्रिया शरीर को आपकी लैंग्वेज में, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं फिजियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है? तो अब एक एक सब्जेक्ट के बारे में बेसिकली थोड़ी थोड़ी सी मैं बातें बता देता हूँ, ताकि जब मैं आपको ये बताऊं कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो आपको लगे ना कि इन्होंने ये सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें संस्कृत की, संस्कृत बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके लिए शायद लाइफ में फर्स्ट टाइम होगा, अभी तक कभी संस्कृत नहीं पढ़ा होगा। अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने संस्कृत शायद सुनी भी नहीं होगी, पढ़ना तो बहुत दूर की बात। हिंदू रीति रिवाजों में तो कहीं ना कहीं रामायण पढ़ी होगी, हनुमान चालीसा पढ़ी होगी, तो संस्कृत के वर्ड्स आए ही होंगे, या रामायण महाभारत देखी होगी तो जुबान में कुछ शब्द ज़रूर सुने होंगे संस्कृत के, या कई लोगों ने पढ़े भी होंगे 8th 9th में, तो वो रूबरू होंगे शब्द रूप, धातु रूप, है ना, लकार, समाश, संधि, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, अनुवाद क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो संस्कृत
मैं तो आपको नहीं पढ़ा रहा क्योंकि संस्कृत बहुत ही बेसिक है। संस्कृत में अगर कभी कोई डाउट आता है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, मैं हमेशा मदद करूंगा, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो क्लास टेंथ तक क्लास टेंथ तक का बैकग्राउंड मेरा यूपी बोर्ड का रहा है और टेंथ में मेरी सब्जेक्ट भी थी संस्कृत, तो इतनी जो बेसिक बीएमएस में है वो मेरे 8th 9th क्लास में पढ़ाई जाती थी, तो संस्कृत मेरे लिए काफ़ी ईजी सब्जेक्ट है। तो अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें आएंगी संस्कृत में, तो डरना नहीं, घबराना नहीं। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होगी कि हमें संस्कृत नहीं समझ में आएगी, हम तो नहीं पढ़ पाएंगे, हमारा क्या होगा, तो मैं हूँ, कुछ नहीं होगा, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है कि आप इसे पढ़ना ही छोड़ दें। सप्ली आ जाएगी तो पास करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट ये भी है जो आपको लटका सकता है, इसलिए हल्के में तो बिल्कुल मत लीजिएगा, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, एटलीस्ट इतना पढ़ लेना कि 50% मार्क्स आ जाएँ। ये बीएमएस है, यहाँ 100 में 33 नंबर नहीं लाने पड़ते हैं पास होने के लिए, 100 में 50 नंबर लाने होते हैं। ये आपका 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है, 33 आ गए तो आप पास हो गए, ठीक है। आपको यहाँ एटलीस्ट 50% मार्क्स जो हैं वो गेन करने ही होंगे पास होने के लिए, तो 50 नंबर तो लाने ही हैं, यानी कि जितनी संस्कृत है आधी तो कम से कम आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। एक मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा सैंपल के तौर पे, नीचे लिंक दे दूंगा, मैंने बहुत पहले पढ़ाया था जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मेरे ही साथ के बैचमेट्स थे, उन्हें कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो मुझे लगा शायद ये तो मैं बेसिक सी चीज़ें बहुत पहले पढ़ चुका हूँ, तो क्यों ना मैं एक वीडियो बनाता हूँ, तो वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, अगर अच्छा लगे तो आप रख लीजिएगा, अदरवाइज अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया संस्कृत। नेक्स्ट सब्जेक्ट है, दैट इज अष्टांग हृदयम, मैंने पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, अष्टांग। अब संस्कृत की बात करी है तो संस्कृत के ही वर्ड से ये बना हुआ है अष्टांग, अब नाम से ही समझ में आ रहा है अष्ट अंग। इसको अलग अलग करके देखो, संस्कृत की लैंग्वेज में संधि विच्छेद करके देखो, अष्ट अंग, ठीक है, ये वाला आ इसके आगे लग जाता है तो अष्टांग हो जाता है, तो अष्ट अंग यानी कि 8 branches, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है अष्टांग हृदयम, और ये 8 branches आयुर्वेदा में आपका बेसिक भी है और एक तरह से ये वो ब्रांचेस है जिसमें आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, मतलब आप पीजी भी कर सकते हैं इन्हीं 8 branches में। अगर बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम आयुर्वेदा में सर्जरी नहीं कर पाएंगे, आयुर्वेदा से सर्जन नहीं बनते हैं, अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो पहले तो 8 branches को जान लीजिए कौन कौन सी हैं आयुर्वेदा में, क्योंकि इन्हीं में आपको स्पेशलाइजेशन भी करना है और इन्हीं 8 branches के बारे में आपको पढ़ना भी है, क्योंकि बीएमएस में आप यही 8 branches के डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं अभी मैं आपको ज़्यादा डीप नहीं ले जाऊँगा, वीडियो अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। 8 branches कौन कौन सी हैं ये वीडियो मैं नीचे फिर से शेयर कर दूंगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एक वीडियो में, ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा किसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी 8 branches हैं जिसमें आप इलाज कर सकते हैं, है ना, बच्चों के डॉक्टर बन सकते हैं क्या, गायनी कर सकते हैं, स्त्री एवं प्रसूति रोग जो गर्ल्स के लिए होता है, मोस्टली गर्ल्स इंटरेस्टेड होती हैं, उसके बाद बॉयज़ में भी होता है, सर्जन बन सकते हैं नहीं बन सकते, तो ये सारे जो आपके डाउट हैं वो उस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो ये अष्टांग हृदयम, सिंपली अगर मैं बताऊं तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अष्टांग में आप पढ़ने क्या वाले हैं, अष्टांग में आप पढ़ने वाले हैं कि अपनी लाइफ को कैसे हेल्दी रखते हैं, हेल्दी इन द सेंस कब उठना है, कब खाना है, कब सोना है और कितना टाइम तक सोना है, ये भी नहीं कि पूरे दिन लेटे हुए हैं, तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं अपनी लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए, क्योंकि आयुर्वेदा का मतलब होता है, आयुर का मतलब होता है लाइफ और वेदा का मतलब नॉलेज, ठीक है, तो लाइफ की जो नॉलेज है वही आयुर्वेदा है। आयुर्वेदा में आपको कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी, डे टू डे लाइफ में जो आपका चल रहा है उसी चीज़ को अच्छे से समझ लेना, दैट इज आयुर्वेदा। अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बनाते हैं, कैसे आपकी उम्र बढ़ सकती है, आजकल आप देख रहे होंगे 40, 45, 50 साल में हार्ट अटैक आ रहे हैं, लोग सडन हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग, सिद्धार्थ जो कि बिग बॉस के विनर रहे हैं, अभी तो एलविश यादव हैं, उसके पहले जो रहे हैं सिद्धार्थ, देखिए 45 एज
जिम जाने वाला बंदा और हार्ट अटैक आया और डेथ हो गई। तो आयुर्वेदा जो है, वैसे तो जिम के बारे में आयुर्वेदा नहीं मानता, आयुर्वेदा व्यायाम को मानता है, एक्सरसाइज को मानता है, योगा को मानता है। क्योंकि अगर बेसिकली मैं बात करूं तो जिम से हो क्या रहा है, आपकी मसल्स स्ट्रांग हो रही हैं, मसल बिल्ड हो रही हैं। जिम जाने से आपकी किडनी अच्छे से फंक्शन करेगी नहीं करेगी, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। जिम जाने से क्या आपका लीवर फंक्शन करेगा नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। आपके लंग्स अच्छे से फंक्शन करेंगे नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, आपके मसल्स जरूर बन जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कब सो के उठना है, कब नहीं सोना है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो एटलीस्ट आपके लीवर, लंग्स, किडनी, जितने भी अंदर के ऑर्गन हैं, ये बहुत बेहतरीन फंक्शन करेंगे। अगर ये अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो शायद आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, लीवर की कोई बीमारी नहीं होगी, लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपकी जो उम्र है वो ज़्यादा होगी। यानी कि आयुर्वेद कहता है अगर आप व्यायाम करते हैं तो आई थिंक आप ज़्यादा जिएंगे बजाय जिम जाने के। जिम कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप जिम जाते हैं तो आपकी उम्र भी बढ़ेगी, जिम जाने से सिर्फ मसल्स गेनिंग होगी। खैर, पर्सनल अपना व्यू अलग हो सकता है, आप मेरे व्यू को हटा भी सकते हैं कि नहीं आप नहीं मानते, इट्स ओके, आप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं चरक पूर्वार्ध। चरक संहिता के बारे में आपने सुना होगा, जितना भी वेदों का नॉलेज है, जितना भी एंशियंट नॉलेज है, वो सारा आचार्य चरक ने बताया है और वही आपको पढ़ना है चरक पूर्वार्ध में। आयुर्वेद बेसिकली आया कहाँ से है, आयुर्वेद आया है अथर्ववेद से। वेदों के नाम आपने ऑलरेडी सुन रखे होंगे, हिंदू रिलीजन में जो भी स्टूडेंट हैं उन्होंने तो सुन ही रखे होंगे, यजुर्वेद, ऋगुवेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमारे बहुत बड़े वेद हैं जहाँ पर पूरी सनातन संस्कृति बनी हुई है। जितने भी सनातन संस्कृति की नॉलेज है, जो भी एंशियंट पूर्वजों की हमारी नॉलेज रही है, चाहे वो श्री राम के बारे में हो, चाहे श्री कृष्ण के बारे में हो, जिन्होंने भी इस धरती पे अवतार लिया है या उससे पहले के बारे में, सारी चीज़ें हमारे वेदों में पहले से लिखी हुई हैं। तो ये सारी जो नॉलेज है ये आपको वेदों में मिल जाएगी। अदर रिलीजन के बच्चे हैं जो शायद नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, हिंदू रिवाजों में चार वेद हैं, ऋगुवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन्हीं में से अथर्ववेद से ही आयुर्वेद का अवतरण हुआ है, आयुर्वेद निकल के जो आया है वो अथर्ववेद का ही पार्ट है। यानी कि अथर्ववेद अगर 100 पेजों का है, मैं वैसे तो बहुत बड़ी बुक है, एक नॉर्मल नंबर ले रहा हूँ कि अगर 100 पेजों का है तो आयुर्वेद उसका 5 पन्ने हैं, ठीक है, तो वो आयुर्वेद है। और उसी में से आयुर्वेद अगर 100 पन्ने का है तो चरक संहिता उसका 5 पन्ने, उसके अलावा सुश्रुत संहिता, सारंग धन संहिता और भी बहुत सारी संहिताएं हैं जो आप आगे सालों में पढ़ते जाएंगे। तो ये चरक पूर्वार्ध ये आपको पढ़ना है, बहुत ही बेसिक सी नॉलेज है इसमें भी, तो कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसलिए ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पदार्थ विज्ञान की, पदार्थ मटेरियल, आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा पदार्थ के बारे में आपने सुना होगा, मटेरियल, ठीक है, मटेरियल साइंस। तो ये भी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं जो शायद आप ऐसे दोस्तों से कम्युनिकेशन भी कर लेंगे, मैं कहता हूँ पढ़ते भी नहीं हैं, कम्युनिकेट ही कर लेते हैं या टीचर्स को ही सुन लेते हैं, तो आप इस सब्जेक्ट को ईजिली पास कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो इसकी भी हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें रचना शरीर, एनाटॉमी, ये अपने आप में बहुत ब्रॉड सिलेबस होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट भी है और ब्रॉड भी है, और मैं एक तरह से कह दूं कि इन सारे में सबसे ज़्यादा टफ रचना शरीर ही है, और आपका अष्टांग और चरक, ये कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा दिमाग को खपाएंगी और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वक्त भी आपको इसी में लगाना चाहिए, क्योंकि रचना शरीर से आप मॉडर्न मेडिसिन ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे और अष्टांग और चरक से आप आयुर्वेदा की मेडिसिन बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये ज़्यादा फोकस वाले सब्जेक्ट हैं। रचना शरीर मैं यूँ कह लूँ कि मैं आपको एक लिंक दे दूँगा यूट्यूब में जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने आप में बहुत ब्रॉड सिलेबस है और ऑलरेडी उसमें बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, और वो जो पढ़ाता है वो MBBS का एक स्टूडेंट है, तो मुझे लगता है कि MBBS वालों से आप पढ़ेंगे तो शायद आपकी नॉलेज और अच्छी होगी। अब लास्ट में एक बचता है क्रिया शरीर, दैट इज़ फिजियोलॉजी।
ठीक है। ये नॉर्मल सा सब्जेक्ट है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा आपको क्रिया शरीर के बारे में समझाने की। क्रिया शरीर में दो पार्ट हैं, एक आपका आयुर्वेद पार्ट है या एक आपका मॉडर्न पार्ट है। मॉडर्न पार्ट में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, जो आपने NCERT 11th क्लास में पढ़ रखी है उसमें आप नॉर्मल सी चीज़ें पढ़ चुके हैं। उसी को थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर लो, बहुत ज़्यादा एलिबरेट कर लो, तो आपका जो मॉडर्न वाला पार्ट है क्रिया शरीर का वो आ जाता है। तो क्रिया शरीर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो नीचे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, मुझे उसी से अंदाज़ा लग जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है और कोई चीज़ अगर आप पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ जानना चाहते हैं। अब मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं अगर क्रिया शरीर पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सारी चीज़ें में अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ नहीं सकते। आप मुझे DM कर सकते हैं, आप मुझसे पर्सनली पूछ भी सकते हैं। और मुझे लगता है कि कोई और मेरा फ्रेंड या PG के कोई स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड हैं पढ़ाने में तो मैं उनसे भी बात कर सकता हूँ आपके लिए, कि हो सकता है अगर उन्हें वक्त मिलेगा तो वो आपके लिए लेक्चर बना सकते हैं। ठीक है, ये मैं कोशिश करूँगा। अब अपनी तरफ से मैं नहीं कह सकता क्योंकि दुनिया में हर कोई पैसे कमाना चाहता है। मैं अगर जाऊँगा किसी के पास कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाइए, तो शायद वो राज़ी नहीं होंगे। मुझे कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करना पड़ेगा, उनको पढ़ाने के लिए फ़ीस देनी पड़ेगी, और ये शायद मेरे लिए अभी इतना ईजी नहीं है कि मैं किसी को पैसे पर रख सकूँ या पैसे दे करके उनसे बोलूँ कि आप पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा विचार करने वाली चीज़ है। खैर, अगर इंटरेस्टेड होंगे तो मैं बात कर लूँगा, अदरवाइज़ बहुत ईजी सी चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा टफ़ नहीं है। और अगर आपको टफ़ लगती हैं तो ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन हम लोग देख लेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और अब जैसे भी हो कॉलेज, बस ये सोच लेना कि हमें अपनी पढ़ाई से मतलब है, है ना। वो कहते हैं ना कि अब पछताए होए का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब वक्त निकल गया है ये सब सोचने का कि ये कॉलेज कैसा है, ये ऐसा है, वैसा है, ये सुनने में आ रहा, वो सुनने में आ रहा। मेरे पास अभी बहुत सारे मैसेज आते हैं इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। छोड़ दो ये सारी चीज़ों को, कॉलेज मिल गया है ठीक है, आयुर्वेदा के डॉक्टर बनना है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, किताबें सब जगह सेम हैं, टीचर्स सब जगह आपको वैसे ही मिलेंगे जो नहीं पढ़ाते। ठीक है, पढ़ाते भी हैं तो किताब की लाइनें पढ़ के चले जाएंगे, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, खुद ही से पढ़ना पड़ेगा, खुद ही से समझना पड़ेगा। तो सब चीज़ें एक तरफ रख दो, अपनी किताबों को ले लो। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कौन कौन सी बुक्स हैं, देख लीजिए वहाँ से। राइटर नहीं तो ऊपर का फ्रंट पेज की फ़ोटो ले लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए, बुक्स ले लीजिए, ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। ठीक है, क्लासेस आपकी स्टार्ट होने ही वाली हैं, कुछ जगह पर ऑलरेडी हो चुकी हैं। जैसे एक स्टूडेंट ने बताया कि भैया गुरु गोरखनाथ की क्लासेस चार तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जिनकी हो चुकी हैं उनके लिए और अच्छा है, जिनकी नहीं होने वाली है तो पहले से बुक ले लें, एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो शायद चीज़ें और ईजी लगने लगती हैं। इसी के साथ मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, और लेकर आता हूँ आपके साथ एक बहुत खूबसूरत सा लेक्चर। और जल्दी से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और बाकी तो सब आप जानते ही हैं क्या करना है। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों को भी आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन करा सकते हैं, अगर वो किसी और कॉलेजेस में हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सबक है, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ।